एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज का कार्यक्रम के संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई हैं सुपाध्याय जी, मंचा सिंह और शाहबाद के प्रभारी रहे अश्विनी जी, और हम सबों के युवा दिलों के आज धड़कन के रूप में और बुजुर्गों के आशा के किरण के रूप में जो पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में आशा की तरफ से लोग देख रहा है, तो सबसे ज्यादा बार सर्च किए जा रहे हैं आज के डेट में वो हमारे बीच मौजूद है। हम शाहबाद के ही बेटा समझते हैं विकास में, वो सबसे जोरदार ताली जिनका शाहबाद से ऐसा लगाव है कि अगर शाहबाद की पहचान लिखी जाती है तो विकास वैभव की पहचान लिखी जाती है। अगर किसी ने कभी भी शाहबाद का जिक्र किया जो उस दौर हुआ करता था जब लोग डरते थे यहाँ घरों से निकलने के लिए, और इन्होंने जो प्रेम मोहब्बत के साथ जो रोहतास किले की पहली तस्वीर और गणेश भगवान की वो तस्वीर आज भी मुझे याद आती है, जब विकास वैभव ने उसको फोटो खींच कर डाला था, आज भी फेसबुक और गूगल कहीं भी सर्च करिएगा तो तस्वीर मिल जाती है। विकास वैभव एक आशा की किरण ही नहीं, पूरे विश्वास के साथ पूरे देश में आज सभी लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित है, ये कैसा व्यक्ति है जो जहां कोई सोच नहीं सकता था कि रोहतास किले पर कोई जाएगा, इतना सुंदर किला और बिना हथियार था, हथियारों से जीता नहीं जा सकता था, अपने व्यवहार से वहां के तमाम लोगों को जीत कर जो इस नव क्रांति का यहाँ जो जागृत की और उन्होंने दिखाया कि परिवर्तन संभव है और परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन करके दिखाया है। मंच पे बैठे हैं हमारे बड़े भाई आदरणीय बाला भैया सोनू जी, सामने बैठे हैं जीवन भाई, मुकुल भाई चले गए, विष्णु जी, तमाम लोग, मैं बहुत लोगों को पहचानता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। आज आपसे दो तीन मिनट की मैं बात करूंगा, मैं बात करने आया हूँ। आखिर क्यों निकला है ये व्यक्ति, आज बिहार को किस चीज की आवश्यकता है? आज बिहार को वाद से, जातिवाद से, संप्रदायवाद से, तमाम वादों से ऊपर उठकर बिहारी होने की आवश्यकता है। बिहार को परम वैभव पर पहुंचाने की आवश्यकता है। बिहार जो विश्व का गुरु हुआ करता था, हम वहां पहुंचाना चाहते हैं बिहार को। हम बिहार को उस गौरव पर देखना चाहते हैं जब लोग ललायत रहते थे बिहार आने के लिए, और बिहारी होना गर्व की बात थी। जो मगध का मगधेश हुआ करता था, हिटलर भी अपने आप को मगधेश कहलाना चाहता था, ये मगध की सेना का, इस मगध का शौर्य था। मगध से जब शासन हुआ तो अफगानिस्तान से लेकर पूरे उत्तर तक हिमालय तक शासन रहा, और कभी भी बिहार को इतना गौरवशाली इतिहास लेकर आया। और आज हमें क्या ऐसी